वेल सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम लॉग्स बैक हियर। एंड भाई आज मेरे को बहुत सारे काम है और टाइम बहुत कम है, बिकॉज अभी हो चुका है टाइम 3:30 और मेरे को अभी जाना भी है रोहिणी। बट उससे पहले मेरे को भी करना मेरा पीसी साफ, बिकॉज की जो पूरी वायरिंग है वो पूरी निकाल के लेके चलते हैं पीसी को डाइनिंग रूम में, देन उस पर पूरी मारेंगे हवा विद द वैक्यूम क्लीनर। और फिर मेरे को लेके आना बैग भी ऑफिस से, बिकॉज कल हमको निकलना है ट्रिप पे। अब ट्रिप कहाँ का आपको पता लगेगा इंस्टाग्राम पे, अगर मेरे को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे मेरी। तो चलो करते हैं पीसी की क्लीनिंग स्टार्ट और करते हैं रिकवरी स्टार्ट, सो लेट्स गो। तो पहले ये पूरी वायरिंग देख लो, इतनी सारी वायरिंग है, पहले ये पूरी उतारनी है, उसके बाद में ये ऊपर देखो पूरा शीशा वीशा सब गंदा हो रखा है यार। ये इसके पूरे पेज खोलने हैं यहाँ से, पूरे पहले पूरे एक ग्लास बाहर निकालेंगे, फिर ये ग्लास निकलेगा, ऐसा करिए सारे ग्लासेस बाहर निकल के आएंगे। मैंने पूरे शीशे तो खोल दिए हैं और अब ऐसा कुछ इसकी हालत है, देखो कितना गंदा हो गया, देखो जगह जगह से, तो इसको भी साफ करना है। कर दो अंकल बटन ऑन जरा वैक्यूम क्लीनर, ये देखो कितनी धूल निकल रही है। पूरा जो पीछे का पैनल है साफ पड़ा है, तो ये साफ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर पूरी वायरिंग है, तो बस ये साफ हो चुका है। अब साफ करने है शीशे विद द कोलिन। भाई हमने पूरा मैक प्रो भी साफ कर दिया, पीसी भी साफ कर दिया और बेडशीट भी चेंज कर दी, सही है ना अंकल जी? हाँ सारा काम हो गया, अब चलते हैं पापा का काम करने के लिए। हाँ पापा दिल्ली से बाहर रहते हैं, पापा के काम मेरे को करने पड़ते हैं हमेशा। अभी जा रहा हूँ पापा के काम से रोहिणी, उसके बाद में मेरे को जाना है चर्च, क्योंकि वहाँ से मेरे को कलेक्ट करना है क्रिसमस केक। और अंकल जी मास्क उतार रहे हैं शायद। नहीं भाई। और मेरी बात सुनो, क्या हुआ सारा सुबह बताओ एक बार। जो गाड़ी साफ कर रहे थे आप। ओ भाई क्या बताऊं। अंकल जी के फोन पे ना, अंकल जी बोलते शनि आया हुआ है। हाँ भैया। इनका फोन दोबारा टूट गया। मैं बोला क्या हुआ, कह रहे यदू भैया मैं इनको कितनी फोन किया था 12 बजे के अराउंड, अंकल जी कहाँ हो, तो इनका फोन मिला नहीं। मैंने पूछा फिर 3 बजे जब मैं सो के उठा कि अंकल क्या सीन है आपका फोन क्यों नहीं मिला, तो कह रही है तू भैया मेरा फोन गिर गया आज। मैंने बोला अंकल अभी तो ठीक कराया था मेरे बर्थडे पे। मेरे बर्थडे पे क्या हुआ था, जो इनका फोन था ना वो आ गया था स्टेयरिंग के बीच में, तो वो फिर जो फोन था वो मुड़ गया था। और अंकल जी का जो फोन था एक्चुअली मेरे बर्थडे वाले दिन ही टूट गया था, बट उसको ठीक कराया और फिर टूट गया, मतलब वही टूटा सेम पार्ट। हाँ स्क्रीन टूट गई। कैसे टूटी? वो भैया हुडी में रखा हुआ था, गाड़ी साफ कर रहा था, पता नहीं कैसे सड़क के नीचे गिर गया और टूट गया। स्क्रीन पूरी स्क्रीन गई, तो आप दुकान वाले से पूछ कर रहा है कि पूरी स्क्रीन ही गई है, क्या सीन है? तो कब तक चेंज हो जाएगा उनका स्क्रीन? फिर बोले थे शाम तक दे दूंगा। अच्छा आज दे देगा? अच्छा डीजल पंप पे आ गया हूँ और ये तो यहाँ पे खड़े होते हैं ये अभी सिविल ऑफिसर्स। ये अंकल जी हमारा चालान काटते हैं, अगर आपका पोल्यूशन ना हुआ 10,000 रुपए का चालान काटेंगे। पोल्यूशन यहाँ पे जो है कट रहा है, मतलब होता है पोल्यूशन यहाँ पे, ना हो तो 10,000 रुपए का चालान काट लो। हाँ भाई अभी थोड़ा सामान लेने के लिए आया हूँ क्रिसमस का, तो मैंने ये 2 कैप ले ली है और यहाँ पे सारा सामान वगैरह मिलता है, क्रिसमस ट्री सांता क्लॉज वगैरह। मैं भी घर तो आ गया था और अब निकाल रहा हूँ जरा मैं लैम्बो और मैं कुछ खाने के लिए भी जाना है। क्या वो अंकल ठंड लग रही है क्या आपको ज़्यादा? नहीं अंकल जी की पहले देखो हुडी पहन रखी है, इसके नीचे भी कुछ पहन रखा है आपने? नहीं भाई कुछ नहीं। और ये साफ ओढ़ रखा है, ठंड ज़्यादा नहीं हो रही अंकल जी? आई एम डॉन। जैसे ही मैं आया हूँ ना इस पे ऑडी से अंकल जी इतना फर्क आ गया गाड़ी चलाने में, मेरे को ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी पावर आ गई हो मेरे हाथ में। अच्छा एंड एक बात है कि अगर गाड़ी भगानी है तो उसकी जो पहले टायर्स है वो वार्म करने पड़ते हैं, और आजकल ठंड इतनी चल रही है ना कि जो टायर्स है वो वार्म बहुत ज़्यादा देर में होते हैं, और जैसे ही मैं अगर भगाता हूँ गाड़ी का जो उसका ट्रैक्शन है वो हो जाता है लूज, तो इस चक्कर में अभी भगाने का मज़ा आता नहीं है, बट ये है कि आवाज़ का मज़ा आता है पूरा। आवाज़। तो अभी जा रहा हूँ मैं चर्च, वहाँ से लेते हैं क्रिसमस केक, उसके बाद मैं वापस अपने घर जाऊँगा कुछ खा करके। बट पहले अभी आ गए थे चर्च पे और यहाँ से मैंने पूछ लिया केक कहाँ मिलेगा, और बस अब चल रहा हूँ यहाँ से। कितना देखो अच्छा लग रहा है चर्च आज। ये है क्रिसमस केक और ये ले लिया मैंने रम वाला केक एक्चुअली है। क्रिसमस केक लेके मैं आ चुका हूँ अपने घर पे वापस, बहुत अच्छी भूख लग रही थी बट मैंने सोचा कि भाई अब घर पे खड़ी करते हैं मेरे लैम्बो, उसके बाद में निकालता हूँ ऑडी, बिकॉज सीन क्या है कि भाई रात को ना थोड़ा मतलब विजिबिलिटी वगैरह थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने इस चक्कर में गाड़ी खड़ी कर दी, बिकॉज पापा मेरे को थोड़ा सा बोलते हैं कि सेव ज़्यादा है नहीं लैम्बो को निकालना। और मेरे को मेरे अभी वीडियो पे कमेंट आया कि भाई आपने क्यों यूज़ करी फिलहाल अपने लैम्बोर्गिनी के लिए, तो भाई देखो साफ सीधी बात है शुरुआत से मेरा जो प्लान था लैम्बोर्गिनी का ही था, डैट वॉज माई ड्रीम कार। फरारी अभी आज तक मैंने सोची नहीं, बिकॉज एक्चुअली मैंने चलाई थी दुबई में फरारी और मेरे को इतना ज़्यादा वो थ्रिल नहीं आया जो मुझे चला के आया था हुराकन और लैम्बोर्गिनी। तो अंकल जी आप ये सब गाड़ियों तो आ जाएंगे भैया, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आने दो। हाँ ये बात भी है, बट इसके बाद तो आई एम श्योर रोल्स रॉयस है
बट अभी क्या सीन है कि फरारी भाई मेरे को अच्छी लाइक बहुत लोग कहते फरारी इज अ गुड कार, मैंने चलाई है, बट बोलते हैं कि अंकल जी आपको अच्छी नहीं लगती वो चीज़। अच्छा बताओ आपको कुछ खाना अच्छा लगता, अब आप वो खाओगे बार बार? नहीं भाई बिल्कुल नहीं। सेम बात है, पापा को लगती है बहुत अच्छी फरारी शुरुआत से, पापा की वजह से बोलते हैं फरारी लेनी है। भैया लैम्बो तो आपको जो है पाँच साल से कपड़े मैं जींस भी ले जाऊँ साथ में, नाइकी का वो जो ब्लैक वाला उसके साथ इसको तू वो कर ले मैच। और ये वाली कैप सही लग रही है देखो, ब्लू वाली। मैं एक बार घूमना और अभी यहाँ मैं करवा रहा हूँ अपना केवाईसी पेटीएम का, बिकॉज वो हुआ नहीं हुआ था। अभी का मेरा सुबह का पहला मील है और आपको दिखाता हूँ मैं क्या लेने आया हूँ। मैं लेने के लिए आया हूँ अभी चिकन सैंडविच अपना, साथ में ये कोल्ड कॉफी विदाउट शुगर। और भाई कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया। बढ़िया बैठा हूँ अभी हीटर में और यहाँ पे है चिकन सैंडविच, ये एंजॉय कर रहा हूँ और कुछ देख भी नहीं रहा, मतलब आज सिर्फ बैठा बैठा खा रहा हूँ। ये है गूगल की एप्लीकेशन सेंटर ट्रैकर, जहाँ पे है सेंटर अभी जस्ट दिल्ली आ रहे हैं। साहिल भैया क्या चाहिए आपको सेंटर से? भाई एक रेंज रोवर मिल जाए। अच्छा, सो बेबी पुल मी क्लोजर टू इन योर बैक सीट ऑफ योर रोवर। मैं कर रहा हूँ साथ में अपने कैरी ये वाली हुडीज एंड मेरे को सारी अभी पैकिंग भी करनी है। एंड अभी मैंने करी यहाँ पे गेम इंस्टॉल मैट्रिक्स अवेकन्स, भाई ये मेरे को लगी बहुत ज़्यादा अच्छी बिकॉज की जो ग्राफिक्स है ना वो नेक्स्ट लेवल है। तो पहले मेरे को करनी है पैकिंग, उसके बाद मैं खेलूँगा गेम, बट उससे पहले भी मेरे को एडिटिंग करनी है। तो मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि भाई अब मैंने जो बंद कर दिया कलेक्ट करने स्नीकर्स, तो भाई सीन क्या है कि मेरे को जो अब स्नीकर्स आजकल आ रहे हैं sneakers.com पे नाइकी की जो वेबसाइट है वहाँ पे मेरे को इतने अपील नहीं कर रहे, वो पता नहीं क्यों। एंड थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है मेरा वो भी डाउन आ गया स्नीकर की तरफ, लाइक क्लोथिंग की तरफ मेरा जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, जो स्नीकर्स की तरफ जो मेरा इंटरेस्ट है वो कम है। बट आपको ज़रा दिखाता हूँ कि कौन से जो स्नीकर्स है मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है इनकी वेबसाइट, यहाँ पे है लेब्रॉन 90 जो कि इनके बिल्कुल ब्रांड न्यू अभी आया है, और उसमें जो ये वाला कलर है इतना बढ़िया है, बट ये सोल्ड आउट है अनफॉर्चुनेटली, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल लेता। आई मीन जस्ट लुक एट इट, कितना सही लग रहा है, रेड भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है, ब्लू भी है, इट्स लाइक एवरीथिंग इज गुड। बट जो मेरे को अपील करेगी मैं वही चीज़ परचेज करूंगा ना, तो भाई मतलब जो शूज़ हैं आजकल आ तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, बट यार स्टीम क्या है कि मुझे इतना ज़्यादा अपील नहीं कर रहे। एंड मेरा जो माइंड आधा चला गया है कार्स बाइक्स की तरफ एज कम्पेयर टू शूज़, लाइक वॉट आई थिंक कि भाई कार्स में से थोड़ी मॉडिफिकेशन करो या थोड़ी बाइक में करो मॉडिफिकेशन, जो यहाँ पैसे लगाने से अच्छा वो वहाँ पैसे लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। एंड आजकल थोड़ा मैं कर रहा हूँ क्रिप्टो वगैरह में भी इन्वेस्ट, तो भाई अब उस चक्कर में मैंने क्या सोचा है कि मैं जो पैसे वो इन्वेस्ट करूँगा, लाइक होता है ना 25 दिन में पैसा डबल। आई एम डॉन, बट यार ऐसा है कि अपना इन्वेस्टमेंट करो और अपने जो पैसे हैं, एग्जाम्पल में शूज़ खरीदने हैं 18,000 रुपये के शूज़ है तो ये ना खरीद के जो पैसे हैं वो कर दो इन्वेस्ट क्रिप्टो में, 18,50 बनाओ, लाख बनाओ, यू नेवर नो क्या कब हो जाए। एंड भाई कल से हो जाएंगे व्लॉग्स अपने शुरू वादियों में। एंड इफ यू हैवंट फॉलोड मी टिल नाउ ऑन इंस्टाग्राम, भाई क्या कर रहे हो आप सब लोग, इंस्टाग्राम पे जाओ बिकॉज वहाँ पे आई अपलोड गिव अवे वगैरह, मतलब यार बहुत कुछ होता है इंस्टाग्राम पे, तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आपको दिख रही होगी आईडी यहाँ पे। खत्म व्लॉग यहीं पे, वी डैट सेड बाय एंड स्टे सेफ।